बीकवा ग्रुप प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। राजद नेता राज गौरव टाइगर से छिनतई का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर राज गौरव टाइगर ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि व्यवसायिक कार्य से जब लौटने के क्रम में अज्ञात अपराधियों के द्वारा छिनतई की गई, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राजद के कार्यकर्ता राज गौरव टाइगर बीते दिनों व्यवसाय का पैसा लेकर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने पैसे छीन लिए। पैसे छीन भागने में सफल रहे, जिसको लेकर राजद नेता ने संवाददाताओं को जानकारी दी। मैं राज गौरव टाइगर, राजद नेता, सह एनजीओ संचालक, एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे जिलों में मैं साफ सफाई का और भोजन सप्लाई का काम करता हूँ। विगत कुछ महीनों से हमारा भगुआ जिला में साफ सफाई का काम चल रहा है। होली का समय था, लगभग 3-4 महीने का लेबर का पेमेंट करना था, तो मैं वहाँ लेबर को पेमेंट करने के लिए और साथ ही साथ वहाँ जिला पदाधिकारी के ऑफिस में हमारा जनरेटर का निविदा खुल रहा था। हम लोगों ने जनरेटर के निविदा में भाग लिया और लेबर पेमेंट के हिसाब से भी वहाँ कुछ पैसा हम लोग लगभग 6 लाख रुपया नकद गाड़ी में लग कर ले गए थे। दिन भर निविदा में हम लोग रहे और जैसे ही शाम को हम लोग 5 बजे जिला पदाधिकारी के भभुआ के जिला पदाधिकारी के ऑफिस से बाहर निकले, तो कुछ आपराधिक तत्व के आदमी ने हमें बंदूक पिस्टल और कट्टा के हथियार के बल पर हमारे ही गाड़ी में हम ही को जबरदस्ती बैठा कर और गाली सूचक देने लगे। वो मोहनिया की तरफ जाने लगा, कहा कि मोहनिया हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारा अपहरण हो गया है। तो हम लोग डर गए। एक बैग हमारे साथ है, हमारे ससुर जी भी थे जिनका रघुवीर सिंह नाम है। तो हम लोग चिंतित हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग को हाईजेक क्यों किया जा रहा है। तो हमने जिला पदाधिकारी के आवास के बाहर जाकर लगभग 2 किलोमीटर बाद हमने जबरदस्ती स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर उत्कर्ष बैंक था, तो उतने में ही कुछ आदमी वहाँ पे भी जम गए, भीड़ भाड़ हो गई, वो हमसे मारपीट करने लगे और उत्कर्ष बैंक के ऊपर ले जाकर वो हमें जाति सूचक गाली देकर कि बनिया तुम भगुआ में ठेकेदारी कर लेगा, तुम्हारा भद्दी भद्दी गाली देना हथियार के बल पे कि तुमको ठीका चलने नहीं देंगे, तुम काम कैसे कर लेगा, दोबारा से आके यहाँ ठीका कैसे कर लेगा, और कहा कि तुम सारा ठीका दे दो और तुम यहाँ से जाओ, तुमको ठेकेदारी हम करने नहीं देंगे। हमने कहा कि क्या बात है। अब फिर जब हमने सवाल किया तो वो हमारे ऊपर हमला कर दिया लाठी डंडों से और हमारे कमर पे माथा पे सब जगह उन्होंने वार किया और उन्होंने कहा कि तुम लिखते हो कि तुम्हारा हम जान मार दें। हम कहे कि आप कुछ भी कीजिएगा, हम आपको कागज ऑथोराइज नहीं करेंगे, आप चाहे जान मार दीजिए चाहे जो कुछ दीजिए। 10-15 मिनट तक वहाँ बहुत भीड़ लग गया। शाम का लगभग 5 बज रहा था, दिनांक 23 तारीख को ये घटना हुआ है। फिर जी लगभग 10 की संख्या में थे वो लोग, इसके लिए वहाँ अपने भगुआ थाने में शिकायत नहीं नहीं पहले तो उन्होंने हमको हाईजेक किया था और हमारा संतुलन काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वहाँ से हम लोग भागने का प्रयास किए मगर वो लोग भागने नहीं दिए और उन्होंने हाई जेक करके हम जब रात हो गया तो फिर हमारे ही गाड़ी में बैठा कर कोई ऐसे होटल में ले गया जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ और वहाँ पे हमारा एक रूम में उन्होंने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो लोग वहाँ से फरार हो गए। बंद करके वहाँ लोग फरार हो गए, हम लोग रात भर वहीं पे थे। अगर एक दो आदमी दूसरे रूम में मतलब एक दो आदमी हमारा कि ये भागे नहीं कहीं, और सुबह में एक दो पॉलिटिकल आदमी हमसे आए और हमसे हाथ जोड़ने लगे कि जाने दीजिए, गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इनको माफ़ कीजिए, उनको काम दे दीजिए, आपके नेता आदमी है क्या कीजिएगा। हमका नेता आदमी है उससे क्या मतलब है, हम अपना काम है हम स्वयं करेंगे। मगर सुबह में हम लोग अपना पैसा जो है हमारा गाड़ी में रखा हुआ था लगभग 6 लाख रुपया उन्होंने निकाल लिया, मगर हमने एक भी कागज पर साइन नहीं किया कि हम आपको काम नहीं देंगे और कोई भी कीमत पे आप हमारी हत्या भी कर दीजिए। ठेकेदारी मतलब
हम एनजीओ के माध्यम से सफाई उफाई का काम अंदर भीतरी और बाहरी सफाई पूरे भभुआ जिला के अस्पताल में हम काम कर रहे हैं। तो आपने वहाँ इसके लिए कोई लिखित आवेदन दिया? हम लोग इतना डर गए थे कि हम मोबाइल हमारा छीन लिया गया था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया रात भर, मगर जैसे ही सुबह हुआ तो हम लोग कुछ आदमी हमारे जो वहाँ आश्रम है हमारा इंटरप्राइजेज छौर गिट्टी का दुकान है जिसका प्रोप्राइटर है उदय प्रताप सिंह, उसमें एक आदमी का हमने पहचान किया है और एक आदमी मनीष सिंह जो जे हॉस्पिटल रोड में वो रहता है उसके पिताजी का हमको नहीं मालूम है, दो लोगों को हमने पहचान कर लिया है। होटल से निकले फिर कैसे? होटल से हम लोग वो छोड़ के सुबह में चला गया ना, हमको वो चला गया, वो कोई आदमी नहीं। हमने डीएम को एसपी को लेटर के माध्यम से सूचना दिया है। कहाँ के डीएम? वहाँ के जिला भभुआ जिला के डीएम एसपी को सब लेटर के माध्यम से सूचना दिया है कानूनी कार्रवाई करने के लिए।